बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कसिंग अदर ड्रामेटिस्ट्स। यस्टरडे वी डिस्कस्ड यूनिवर्सिटी विट्स एंड शेक्सपियर। नाउ बिफोर अस इज बेन जॉनसन। बेन जॉनसन वाज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम शेक्सपियर, ऑल्दो ही वाज कंटेम्पररी टू हिम। हम यहाँ पे बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी पाते हैं जो शेक्सपियर से उसको डिफ्रेंशिएट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी फाइंड बेन जॉनसन अ ड्रामेटिस्ट, अ क्लासिसिस्ट मॉरलिस्ट एंड अ रिफॉर्मिस्ट ऑफ ड्रामा। यानी वो एक क्लासिकल पैटर्न को फॉलो करने वाला शख्स था, मॉरलिस्ट था, यानी इखलाकियात पर पाबंदी करता था, एंड ही वॉन्टेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम। दूसरे तरफ हम जब देखते हैं शेक्सपियर को, वो एक ऐसा इंटेलेक्चुअल था जिसके ड्रामास में इमेजिनेशन और सिंपथी डिपिक्ट होती है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज दैट कि उसकी जो कॉमेडीज हैं बेन जॉनसन की, वो उस वक्त की सोसाइटी की ट्रू पिक्चर्स हैं। यानी कॉमेडी प्ले जो उसने लिखे उसमें ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट होती है, और दिस इज़ वट वी फाइंड मिसिंग इन द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। हेयर शेक्सपियर गिव्स ब्यूटी, गिव्स सम लव, गिव्स सम मिस्ट्री इन हिज प्लेज, इन हिज प्लेज, इन हिज प्ले, इन हिज क्रिएटिविटी। ही ऑल्सो मेड एन अटेम्प्ट टू हैव द यूनिटीज ऑफ टाइम। बेन जॉनसन ने जो क्लासिकल अप्रोच है यूनिटीज ऑफ टाइम की, उसको उसने फॉलो किया, और वो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन है। शेक्सपियर ने इसको डिफाई किया और इसको फॉलो नहीं किया। नेक्स्ट फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है कि शेक्सपियर अपने ड्रामाज में खुद को इफेस करता है, एक्सप्रेस नहीं करता खुद को। बेन जॉनसन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अपनी सोसाइटी को एक्सप्रेस करता है, खुद उसकी लाइफ डिपिक्ट होती है। दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स वी फाइंड इन द पोइट्री ऑफ, इन द प्लेज ऑफ बेन जॉनसन। एंड नाउ वी डिस्कस हिज लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। बेन जॉनसन वॉज एक्चुअली अ राइटर ऑफ कॉमेडीज। वट एवर ही रोट, he wrote comedies, although he wrote some of the tragedies which are Sejanus and Catiline. जहाँ तक उसकी कॉमेडीज़ का ताल्लुक है, चार कॉमेडीज, फोर ऑफ द कॉमेडीज ऑफ हिम आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, एंड दे गिव इनसाइट इन टू द राइटर्स माइंड। फॉर एग्जाम्पल, वॉलपोन, द साइलेंट वुमन, द एल्केमिस्ट एंड बार्थोलोम्यू फेयर। ये चारों जो कॉमेडीज़ हैं ये बड़ी सक्सेसफुल रही हैं, और द ड्रामेटिस्ट वॉज सपोज टू बी वेरी मच सेलिब्रेटेड एट दैट टाइम। यहाँ पे हम देखते हैं कि एलिजाबेथन ड्रामा में उसका रोल एक रिफॉर्मिस्ट का था। उसने अपनी पोइट्री के ज़रिए क्लासिकल अप्रोच को अपनाकर मुआशरे में, सोसाइटी में रिफॉर्म करने की कोशिश की, मॉरल थिंकिंग्स उसने पेश की, और यूं वो एलिजाबेथन ड्रामा में उसका काम जाना जाने लगा और मशहूर हो गया। और इसी राइटर के साथ ड्रामा का दौर एंड होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ, पोएटिक क्रिएशन की तरफ, एलिजाबेथन ड्रामा के बाद पोइट्री की तरफ चलते हैं। लेट्स गो अहेड। एलिजाबेथन पोइट्री एक्चुअली स्टार्ट्स विद द पब्लिकेशन ऑफ टॉटल्स मिसलेनी। टॉटल्स मिसलेनी 1557 में पब्लिश की गई, और इसमें जो पोइटिक क्रिएशंस शामिल हैं वो सर थॉमस वायट की और अर्ल ऑफ सरे की हैं। यहाँ पे हमें पोइटिक जो एंथुजियज्म है, एक्साइटमेंट है, जो रेनेसा की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमें मिलती हैं, और हम देखते हैं यहाँ पे कि उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायट एंड सरेज पोइट्री वॉज दे फॉलोड पेट्रार्कल मॉडल। लेट्स डिस्कस व्हाट
इज पेट्रार्कन मॉडल। पेट्रार्कन मॉडल मॉडल असल में ऐसी एक क्रिएटिव पोइट्री है जिसमें उन दोनों ने शायरों ने सोनेट्स लिखी। सोनेट एक ऐसी पोइम को कहते हैं जिसकी 14 लाइन्स होती हैं। फर्स्ट 8 लाइन्स वो ऑक्टेव कहलाती हैं और नेक्स्ट 6 लाइन्स कहलाती हैं सेस्टेट। जो फर्स्ट 8 लाइन्स हैं उनकी जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी बी ए के तरीके से फॉलो करती हैं। ईच एंड एवरी सोनेट फॉलोज सच राइमिंग स्कीम। एंड नेक्स्ट 6 लाइन्स विच इज कॉल्ड सेस्टेट सी डी ई की राइमिंग स्कीम को फॉलो करती हैं या फिर सी डी के राइमिंग स्कीम को। और यही वो राइमिंग स्कीम है जो बाद में शेक्सपियर ने भी अपने प्लेज में अपनाया, इसको इसको फॉलो किया उसने। इंग्लिश लैंग्वेज में नेक्स्ट ओरिजिनल राइटर थॉमस सैकविल है, दैट वी हैड डिस्कस्ड अ कपल ऑफ डेज बैक। ही रोट मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट्स। ही वॉज ऑल्सो अ वेरी सेलिब्रेटेड पोएट लाइक वाइट एंड सरे। उसकी जो सुपीरियरिटी है उसकी पोएटिक टेक्निक में उसको उसकी एक्नॉलेजमेंट है मुख्तलिफ पोएट्स की तरफ से। इन सब पोएट्स में जो ग्रेटेस्ट पोएट है वो सर फिलिप सिडनी है। उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि क्वीन एलिजबेथ एट द टाइम कॉल्ड हिम द जूल्स ऑफ हर क्राउन, वन ऑफ द जूल्स ऑफ हर क्राउन। उसकी मल्टी साइडेड या मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी थी। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज अ सोल्जर, ही वॉज अ कोर्टियर, ही वॉज अ पोइट। दैट्स वाई वी कैन कॉल हिम द आइडियल एलिजबेथन पोइट। जहाँ तक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसका ताल्लुक है, उसकी अपोलॉजी फॉर पोइट्री, आर्केडिया, दो बहुत इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं प्रोज में। आर्केडिया जो है ये एक इमेजिनेटिव राइटिंग है और अगरचे एक प्रोज स्टाइल में लिखी गई, बट इट इज़ डॉटेड विद अ लॉट ऑफ लव सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। और जबकि अपॉलॉजी फॉर पोएट्री जो है ना पहली सीरीज है जो बड़ी रेयर कमेंट्री है, यूजफुल कमेंट्री है इंग्लिश पोएट्स, जिसमें इंग्लिश पोएट्स ने ना अपने आर्ट के बारे में लिखा है। सर फिलिप सिडनी एक्चुअली वॉज द राइपेस्ट स्टेट्समैन ऑफ द एज। उस वक्त के 23 ईयर्स की एज में उसको ये कहा जाता था। उसकी एक और अजीम तरीन काम जो है उसकी पोइट्री का, वो सीक्वेंस ऑफ सोनेट्स हैं, जो सारी सोनेट्स उसने एस्ट्रोफल एंड एस्टेला में लिखी। इसमें फिलिप सिडनी ने पेनलॉप डेवरक्स को की मोहब्बत की हिस्ट्री को उसने सेलिब्रेट किया और उसको लिरिकल फॉर्म में उसने प्रेजेंट किया। इसके अलावा जो हम देखते हैं कि उसकी जो पर्सनल ट्रेट्स थी, ही वॉज एक्चुअली अ सिंसियर पर्सन। दैट वॉज वाई क्वीन एलिजबेथ गेव हिम सो मच इम्पोर्टेंस फॉर हिज सिंसैरिटी। उसकी फैंटास्टिक इमेजरी एलिजबेथन पोइट्री को रिवाइव करती है, एलिजबेथन कैरेक्टरिस्टिक्स को सामने लेकर आती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।